तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का जो सिलेबस है सेशन 2023 और 24 के लिए वो क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस, साथ ही साथ जो आपका मेन एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम, उसका सिलेबस दोनों आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यूनिट वाइज यहाँ पे वेटेज भी दे रखी है। जैसे यूनिट वन जो है नंबर सिस्टम, कितने नंबर की है? 6 नंबर की है। यूनिट टू है एलजेब्रा, ये 20 नंबर की है। यूनिट थ्री है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 नंबर का। यूनिट फोर है ज्योमेट्री, 15 नंबर। यूनिट फाइव है ट्रिग्नोमेट्री, 12 नंबर। यूनिट सिक्स है मेंसुरेशन, 10 नंबर का। यूनिट सेवन है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 11 नंबर का है। तो ये टोटल आपका जो है 80 नंबर का पेपर आएगा बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी जो 20 नंबर है उसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट के नंबर लगेंगे, वाइवा होगा, प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, ये सब आपको करना होगा। तो टोटल आपका 100 नंबर का होगा। अब मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने वो देख लीजिए। सबसे पहले चैप्टर वन रियल नंबर्स, और यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं सिर्फ वही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। चैप्टर टू कौन से? पॉलिनोमियल्स। चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फिर है चैप्टर सिक्स ट्राइंगल्स। चैप्टर सेवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर एट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नाइन सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर ट्वेल्व एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर 14 स्टैटिक्स। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको चैप्टर्स बताए ये आपको 15 सितंबर तक आपके स्कूल में करवा दिए जाएंगे, और आपको भी प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। तो सितंबर एंड तक लगभग आपके जो है मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो तब तक आपको ये सारे चैप्टर करने हैं। तो अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये जो चैप्टर्स अभी मैंने आपको बताए ये आप सबसे पहले ज़रूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम जो होगा उसमें ये वाले चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर फाइव जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी वाला, चैप्टर टेन सर्कल्स, चैप्टर थर्टीन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, और चैप्टर फिफ्टीन प्रोबेबिलिटी, ये आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करना है। तो अभी जो आपका जो मेन फोकस है जो पहले मैंने लेसन्स बताए उन पर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे लिखा भी है कि 15 दिसंबर तक जो है आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, जो मिड टर्म से पहले का और मिड टर्म का बाद। टोटल जो है पूरा सिलेबस आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए थे आपने देख लिया होगा। ठीक है, वेटेज यूनिट वाइज मैंने बता दी, हर यूनिट में कुछ ना कुछ चैप्टर्स हैं और उनकी टोटल वेटेज बताइए। ये नहीं बताया कि हर लेसन कितने नंबर का है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, यूनिट वाइज वेटेज बताई जाती है हर साल, उससे आपको आइडिया लग जाता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस आएगा जो अभी मैंने बताया, मिड टर्म के पहले का और मिड टर्म के बाद दोनों का कंबाइंड जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। फिर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दे रखा है स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड जो मैथ्स लेते हैं बच्चे उनकी जो है दोस्तों पेपर टफ होता है, क्यों? क्योंकि उनमें जो है ये वाला जो है दोस्तों सबसे पहले स्टैंडर्ड वाले, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से वेटेज होने वाली है। ठीक है, एनालाइज अप्लाई करने वाले क्वेश्चन जो है उनकी वेटेज भी इसमें ज़्यादा है, ठीक ठाक रहती है, जबकि जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनमें आप देखेंगे तो याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, अप्लाई करने वाली, इवेल्यूएट करने वाली, एनालाइज करने वाली, ये कम होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों यहाँ दिख रही होगी आपको, जो 20 नंबर आपके बचते हैं, 80 नंबर का तो आपका मेन एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम, उसके अलावा जो 20 नंबर आपके बच रहे हैं उसमें यहाँ पे लिखा है कि 5 नंबर का क्या है? पेन पेपर टेस्ट, यानी आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे स्कूल में जो भी। 5 नंबर का है मल्टीपल असेसमेंट, आपसे कुछ भी करवा लिया जाएगा। ठीक है, कोई टॉपिक आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन क्या होता है दोस्तों, 3 बार आपके लगभग पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, उनमें से 2 जो बेस्ट होते हैं उसको आपका मान लिया जाता है स्कोर। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके 10 में से नंबर यहाँ पर दे दिए जाते हैं, ज़्यादातर स्कूल्स में ऐसा होता है। फिर पोर्टफोलियो आपका 5 नंबर का, उसमें आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है। फिर लैब प्रैक्टिकल, उसमें दोस्तों आपको कोई आपको एक्टिविटी बुक बोलेंगे, ठीक है, वो आपको खरीदनी होगी, फिर उसको फिल करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 नंबर का होगा। तो इंटरनल असेसमेंट का ये था, इसके अलावा जो सिलेबस था मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है स्ट्रक्चर होने वाला है क्लास 10th का सेशन 2023 और 24 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आपका सिलेबस क्या है और इंटरनल असेसमेंट के नंबर किस तरीके से लगने वाले हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय,
सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।